तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कमाल का गेम जो कि खेला गया था मिखाइल टाल और सैगुड़ी ताफ के बीच में। ये गेम दोस्तों 1969 स्कूदगार्ड में खेला गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट फर्स्ट आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देख लीजिए, फिर आप डिसाइड करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइट पीसेस के साथ दोस्तों खेल रहे हैं मिखाइल टाल और ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं सैगुड़ी ताफ। तो मिखाइल टाल ने ओपन किया विथ e4, c5। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सिसिलियन डिफेंस में, नाइट टू f3, उसके बाद d6, उसके बाद d4, c×d4, knight×d4, knight to f6, knight to c3, उसके बाद g6, ड्रैगन वेरिएशन ऑफ सिसिलियन डिफेंस, उसके बाद bishop to e3, bishop to g7, उसके बाद f3, knight to c6, queen to d2, उसके बाद bishop to d7, उसके बाद लॉन्ग साइड कैसल, rook to c8। दोस्तों रुक को एक अच्छा फाइल में प्लेस किया, उसके बाद king to b1, उस फाइल से दोस्तों हटा दिया किंग को वाइट ने, उसके बाद queen to a5, g4, उसके बाद h6, h4, a6। और दोस्तों किंग साइड में दोस्तों वाइट ने अटैक स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद bishop to e2, knight to e5, उसके बाद g5, h captures on g5। और यहाँ पर से दोस्तों सैगुड़ीता ने एक ब्लंडर दिया था यहाँ पर से सैगुड़ीता ने कैप्चर कर दिया था इस h1 पे रखा हुआ रुक को। और यहाँ पर से दोस्तों मिखाइल टाल ने एक सैक्रिफाइस दे दिया। ऑफ कोर्स दोस्तों ये मिखाइल टाल का गेम है तो इसमें दोस्तों सैक्रिफाइस तो कॉमन ही होगा। यहाँ पर से मिखाइल टाल ने दिया था g captures on f6, उसके बाद सैगुड़ीता ने इस रुक को भी कैप्चर कर लिया, rook captures on d1, उसके बाद knight captures on d1। और यहाँ पर से दोस्तों सैगुड़ीता ने इस d2 पे रखा हुआ क्वीन को एक्सेप्ट भी कर लिया, queen captures on d2। और यहाँ पर से दोस्तों मिखाइल टाल का लास्ट मूव f captures on g7। और इसी पोजीशन पे दोस्तों सैगुड़ीता ने रिजाइन कर दिया और इस गेम के दोस्तों विजेता रहे मिखाइल टाल। यहाँ पर से दोस्तों क्यों रिजाइन दिया, क्योंकि यहाँ पर से और कोई भी दोस्तों खेल नहीं है। यहाँ पर से सपोज दिया जाता e6 तो यहाँ पर से सिंपली दोस्तों g8 equals queen, उसके बाद अगर king to e7, ओनली वन ही मूव है दोस्तों ये, उसके बाद सिंपली queen to g7। और यहाँ पर से दोस्तों अगर ब्लैक इस क्वीन को बचाता सपोज queen to a5, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर से bishop to g5 check, उसके बाद king to e8, उसके बाद queen to g8 दोस्तों चेकमेट हो जाता। ये तो दोस्तों एक लाइन था। और अगर यहाँ पर से दोस्तों दिया जाता bishop to e6, तो सिंपली दोस्तों g8 equals queen, उसके बाद king to d7, सिंपली दोस्तों यहाँ पर से मिखाइल टाल ने कैप्चर कर दिया होता queen captures on c8, उसके बाद king captures on c8 फोर्स्ड है। और यहाँ पर से लास्ट मूव दिया जाता bishop captures on d2, और वाइट दोस्तों सिंपली बेटर होता, वाइट के पास दो पीस एक्स्ट्रा है। तो ये था आज का गेम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का गेम पसंद आया होगा। अगर आपको आज का गेम पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आपसे जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें।